का क्या देख रहे हो भाई? ये ऐसे ही है, 20-30 रुपए की चीज लेने के लिए इतना देख रहा टटोल रहा है, लेकिन ऑनलाइन से हजारों रुपए की शॉपिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग जिसमें कुछ देखता नहीं है, सिर्फ फोटो देखकर ले लेता है और बाद में पछताता है। तो क्या करूं? चल मेरे साथ कोयले इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे तू एक ही जगह पे सारी चीजें खरीद सकता है, जैसे फ्रिज है, एसी है, टीवी है, और साथों साथ तू वहाँ पे चीजों को देख सकता है, टटोल सकता है और फिर खरीदना है। अगर तेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, वहाँ पे फाइनेंस की भी फैसिलिटी है, सेम डे डिलीवरी होगा तेरे घर पे सामान। चल कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक। पिछले 11 सालों से मुंब्रा का सबसे भरोसेमंद कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक अब दोस्त अपार्टमेंट से शिफ्ट होकर और बड़ा शोरूम न्यू नैशमन कॉलोनी डॉक्टर दादन के पास है, तो आज ही आइए कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के जुबली पार्क इलाके में रहने वाले सलमान मलिक, जिसकी उम्र 33 साल बताई जा रही है और इसने अपनी जान देकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सलमान के जान देने की खबर सामने आते ही इलाके में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें कि ये घटना 13 जनवरी की रात करीब 9 बजे के आसपास में लगभग हुई है, मगर सलमान मलिक ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही, घर के अंदर पंखे के सहारे उसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि बताया जा रहा है कि सलमान ने ऐसा कदम उठाने से पहले अपनी माँ को फ़ोन किया था और उसने बताया कि वो ऐसा करने जा रहा है, मगर जब तक उसकी माँ घर पहुँचती तब तक सलमान ने यह भयानक कदम उठा लिया था। सूचना मिलने के बाद मुंब्रा पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सलमान ने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस जांच में हो सके ये पूरे मामले का खुलासा हो, लेकिन वही सलमान के मां ने क्या बताया है आपको सुना दें। फोन किया, क्या नाम है आपका? सायरा, मैं रहती हूँ, मैं उधर आगे रहती हूँ। अच्छा। जब उसने फोन किया मैं घुटनों से कमर से चल। क्या नाम है आपके बेटे का? सलमान। सलमान, तो अभी यहाँ बता रहे कुछ लोग कि आपको फोन किया था उसने। फोन किया था, उधर से आते थे मैं आई इधर तक, मैं दरवाजा खिड़कीवार पीट रही, खिड़कियाँ तोड़ रही, सब कर रही, और कोई नहीं था। उसके ससुराल वालों को भी बुलाया, उधर से कोई नहीं आया, समझे। जब उसने अपनी उसकी औरत को फोन लगाई, उसकी औरत ने आके छोटी बहन को भेजा, तो खिड़की तोड़वाई, देखा तो मेरा बच्चा पंखे में लटका पड़ा है। क्या काम करता था आपका बेटा? कैटरेस का काम करता था। कैटरेस का? हाँ। तो आपकी जो बहू है वो भी शाजिया है, तो उसके साथ कुछ इसका विवाद चल रहा था कुछ, ऐसा बता रहे थे अभी। मेरे को नहीं पता दोनों का क्या हुआ, दोनों ही काम पे थे बेटा। अच्छा। मुझे नहीं पता, वो काम पे था, अभी तो आया है शाम को 6-7 बजे। दारू वारू भी पीता था आपका? हाँ, दारू पीता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी बेटा, दारू का नहीं रहता था मैं। अच्छा। दारू उसको डेली चाहिए रहती थी। तो कितने बजे फोन किया था आपको? जब उसने फोन किया मैं तरफ ही आ गया, इतना नहीं पता मुझे कितने बजे किया। हाँ। मैं तुरंत आ गई वहाँ से। तो आप भी आसपास ही रहते हो? मैं उधर रहती हूँ, कहाँ है वो चौल का नाम, एमएम चौल आगे। अच्छा। वो बकरी बकरी बंदी रहती है ना। हाँ। उधर रहती हूँ, उधर से आते तो मुझे घुटने कमर से चल नहीं पाती, आ जाते तो टाइम लगेगा ना, समझे। इतने में मेरा बच्चा चला गया, मैं सबको खिड़की पीटते रहे, दरवाजा पीटते रहे, मेरा बच्चा चला गया मेरा बेटा, मेरा लाल चला गया, मेरा बच्चा चला गया।